हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BSX और यामाहा FGS-FI BSX के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों बाइकों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टीवीएस की कोई भी बाइक हो और उसकी सर्विसिंग डेट 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक हो तो वो अपने बाइक की सर्विसिंग 30 जून तक भी करा सकते हैं। तो कंपनी ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इसकी सर्विसिंग डेट भी 30 जून तक बढ़ा दी है। तो वहीं यामाहा मोटर्स ने भी जिसकी सर्विसिंग 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में सर्विसिंग डेट बढ़ाओ तो यामाहा मोटर्स ने भी अपनी सर्विसिंग डेट 30 जून तक बढ़ा दी है। तो आप अपने बाइक की सर्विसिंग को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इस बीच आपके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आता रहूंगा, लेकिन इस वीडियो में टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BSX और यामाहा FGS-FI BSX के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आप खुद ही चूज कर सकते हैं कि इन दोनों बाइकों में से आपको कौन सी लेने चाहिए और आपके लिए कौन सा बेटर होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइकों के कलर ऑप्शन की। तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BSX में आपको 3 कलर ऑप्शन, रेसिंग रेड, मेटेलिक ब्लू और नाइट ब्लैक मिलेगा। तो वही यामाहा FGS-FI BSX में आपको 5 कलर ऑप्शन मिलेगा जिसमें डार्क नाइट, मेटेलिक रेड, मैट ब्लैक, डार्क मैट ब्लू, ग्रे और क्यान ब्लू में मिलेगा। तो आपको यामाहा FGS में ज्यादा कलर ऑप्शन मिल रहा है, तो जो भी आपको कलर देखने में अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो अपाचे आरटीआर 164B में 159.7 cc का SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड 4 वाल्व BSX कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगा हुआ है और इसका यह इंजन 8250 rpm पर 16.02 PS का पावर और 7250 rpm पर 14.12 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इस बाइक में 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलता है। तो वहीं यामाहा FGS-FI में 149 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व BSX कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगा हुआ है और इसका यह इंजन 7250 rpm पर 12.4 PS का पावर और 5500 rpm पर 13.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें भी 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलता है। इन दोनों के पावर और टॉर्क में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोनों के इंजन में भी अंतर है। तो आपको यहाँ अपाचे आरटीआर में ज्यादा पावर देखने को मिल रहा है यामाहा FGS-FI के मुकाबले में। सस्पेंशन की बात करें तो अपाचे आरटीआर 160 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और इसके रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। तो यामाहा FGS-FI के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और इसके रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है। इन दोनों बाइकों के टायर और ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो टीवीएस अपाचे में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक और डुअल डिस्क ब्रेक मिलता है जिसकी वजह से इसकी टायर में भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BSX के फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और इसके रियर में 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट में और 130x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट में। और इस बाइक के फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक और इसके रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक और 200 mm का डिस्क ब्रेक जो कि ऑप्शन में मिलता है। तो वहीं यामाहा FGS-FI BSX के फ्रंट में 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और इसके रियर में 140x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इस बाइक के फ्रंट में 282 mm का डिस्क ब्रेक और इसके रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। इन दोनों बाइकों में यामाहा FGS का रियर टायर अपाचे आरटीआर 160 से ज्यादा चौड़ा है। अब आपको इन दोनों बाइकों के कुछ फीचर्स के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BSX के कुछ फीचर्स की। तो इसमें सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल का सुपर मोटो ABS दिया गया है। इसमें GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि बाइक को ट्रैफिक में बिना थ्रोटल दिए लो स्पीड में स्मूथली और कंट्रोल के साथ बाइक को चलाया जा सकता है। इस बाइक में रेसिंग डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। इसमें अग्रेसिव हेडलैम्प पोजीशन लैम्प के साथ दिया गया है। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंटरैक्टिव स्पीडोमीटर मिलता है। इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि लैप टाइमर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर जैसे काफी इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। इसमें एरोडायनामिक क्लब मिरर दिया गया है। इसमें अग्रेसिव टैंक कॉल देखने को मिलता है। इसमें इंजन कॉल भी दिया गया है जो कि आपके इंजन की सेफ्टी के लिए लगाया गया है। इसमें न्यू रेसिंग सीट स्टाइलिश ग्रेवरल के साथ दिया गया है और इसमें आपको रियर हगर फेंडर भी मिलता है। तो वही यामाहा FGS-FI के फीचर्स की बात करें तो इसमें भी सिंगल चैनल का ABS दिया गया है। एडवांस मिड शिप मफलर कवर मिलता है। LED हेडलैम्प हाई और लो बीम के साथ दिया गया है।
इसमें LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है जिसमें कि कई सारे इंफॉर्मेशन शो होते हैं। इसमें भी लोअर इंजन काउल दिया गया है। इस बाइक के फ्यूल टैंक पर क्रोम डक प्लेटिंग दिया गया है। इसमें आपको कंफर्टेबल 2 लेवल सीट मिलती है। इस बाइक में 140mm का वाइड रेडियल टायर मिलता है और इस बाइक में भी पीछे के साइड हगर फेंडर दिया गया है। तो ये था इन दोनों बाइकों के कुछ फीचर्स। दोनों ही बाइकों में काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। कई सारे फीचर इन दोनों बाइकों में लगभग सेम जैसे हैं, जैसे कि दोनों बाइकों में आपको इंजन काउल मिलता है, दोनों ही बाइक में LED हेडलैम्प मिलता है, LCD इंस्ट्रूमेंटल पैनल मिलता है, ऐसे कई सारे फीचर लगभग सेम है। तो इन दोनों बाइकों में से जिसका भी फीचर्स आपको अच्छा लगता हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बाइक को चूज कर सकते हैं। अब इन दोनों बाइकों के कुछ डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो TVS Apache RTR 160 का लेंथ 2035mm विद 790mm, हाइट 1050mm, व्हील बेस 1357mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180mm, सैडल हाइट 800mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और इसका कर्व वेट सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 147kg है और डुअल डिस्क वेरिएंट का 149kg है। तो वही हमारा FGS का लेंथ 1990mm विद 780mm, हाइट 1080mm, व्हील बेस 1330mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, सीट हाइट 790mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर और इसका कर्व वेट 137kg है। तो इन दोनों ही बाइकों में ग्राउंड क्लियरेंस अपाचे का ज्यादा है जिसकी वजह से ये थोड़े से खराब रोडों पे भी आसानी से चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक हल्की बाइक चाहिए तो इन दोनों बाइकों में यामाहा FGS ज्यादा हल्की मिल जाएगी अपाचे के मुकाबले में। अब आगे बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन माइलेज और टॉप स्पीड बताने से पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताऊंगा वो फिक्स नहीं होगा, वो ज्यादा या कम भी हो सकता है। हो सकता है इन दोनों बाइकों में से आपके पास अगर बाइक हो तो 2 या 4 किलोमीटर ज्यादा माइलेज देता हो या फिर कम भी माइलेज देता हो। तो मैं आपको इन दोनों बाइकों का एवरेज माइलेज बताने वाला हूँ। तो TVS Apache RTR 164V BS6 आपको 50 to 52 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। तो वही यामाहा FGS BS6 आपको 50 to 55 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो अपाचे RTR 164V BS6 का टॉप स्पीड 123 kmps तक है। तो वही यामाहा FGS F5 BS6 का टॉप स्पीड 115 kmps तक है। तो इन दोनों ही बाइकों में आपको यामाहा FGS में थोड़ा सा ज्यादा माइलेज मिल सकता है अपाचे के मुकाबले में, लेकिन यामाहा FGS में आपको स्पीड में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के प्राइस की। तो TVS Apache RTR 164B BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके सिंगल डिस्क ब्रेक वेरियंट का 1,915 रुपीज है और इसके डुअल डिस्क ब्रेक वेरियंट का प्राइस 1,04,000 रुपीज तक है। इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,17,000 रुपीज से लेकर 1,21,000 रुपीज तक हो सकती है। ऑन रोड प्राइस आप अपने नजदीकी शोरूम पे एक बार पता जरूर कर लीजिएगा। तो वही यामाहा FGS F5 BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस अगर आप डार्क नाइट कलर लेते हैं तो उसका प्राइस 1,02,700 रुपीज है और इसके बाकी अदर्स बचे कलर का प्राइस 1,01,200 रुपीज तक है। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस लगभग 1,20,000 रुपीज तक हो सकती है। इसका भी ऑन रोड प्राइस आप अपने नजदीकी शोरूम पे पता जरूर कर लीजिएगा। तो इन दोनों बाइकों के प्राइस में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन दोनों बाइकों के बारे में मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी है। इन दोनों ही बाइकों में अपाचे में आपको थोड़ा से कम कलर ऑप्शन मिलते हैं, यामाहा FGS में आपको ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं। और बाइक चूज करने से पहले एक बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे यामाहा या फिर TVS का शोरूम नहीं है तो उस बाइक को आप परचेज नहीं करिएगा, जिससे कि आपको सर्विसिंग कराने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो TVS का शोरूम लगभग हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन यामाहा का शोरूम लगभग आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये दोनों ही बाइक देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। तो इन दोनों बाइकों में से जो भी आपको देखने में अच्छा लगे वही आप चूज करिएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इन दोनों बाइकों का टेस्ट राइड लेकर आप अपना कंफर्टेबल भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों ही बाइकों में अपाचे में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक और डुअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको यामाहा में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए तो आप यामाहा FGS को ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों बाइकों के माइलेज में भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों बाइकों के बारे में मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। और इन बाइकों के अलावा और भी कई सारे बाइकों के बीच में मैंने कंपैरिजन वीडियो पहले से बना रखा है, आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर कंपैरिजन वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कई सारे कंपैरिजन वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा कई सारे कंपैरिजन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किन दो बाइकों के बीच में कंपैरिजन वीडियो देखना है।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और इन दोनों ही बाइकों में से कौन सा आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।